हे चरण्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब घर पर होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सबने देखा है कि एक वायरस है कोविड-19, जो इतना तेज गति से फैल रहा है। इसके लिए आप सबको घर पर रहना है और अपने पेरेंट्स की बात को मानना है। जैसा कि एड बहुत सारे आ रहे हैं, आपने टीवी में भी देखा है कि बार बार आपको अपने हैंड्स सोप से वॉश करनी है और हर चीज को नीट एंड क्लीन रखना है। आई होप आप सब घर पर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नाउ इसके साथ ही आज हमने एक कंसेप्ट लिया है। हमारा एक कंसेप्ट है बिग एंड स्मॉल। नाउ इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और घर बैठे आप इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और हमेशा याद रहेगा और आप चीज़ों में डिफरेंट कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ बिग है एंड कौन सी चीज़ स्मॉल है। नाउ इसको और अच्छे से समझाने के लिए हमने यहाँ पर दो बॉक्सेस दिए हैं। देयर आर अ टू बॉक्सेस। हम इसको ओपन कर रहे हैं। वाव। नाउ अब आपको दिखना है कि यहाँ पर हमने दो बॉक्स लिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये बॉक्सेस अपनी साइज में एक है? नो, ये दोनों बॉक्सेस साइजेस में डिफरेंट है। नाउ व्हेन वी कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर साइजेस, दे आर डिफरेंट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके साइज के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। वन बिग एंड सेकेंड स्मॉल। इसके लिए हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। नाउ एक स्मॉल सा चार्ट बनाया है जहाँ पर हमने लिखा है ऑब्जेक्ट्स, यानी कि चीजें हमने ली है, जो क्लिप्स हम ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। द ऑब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स, वन बिग एंड सेकेंड स्मॉल। ये फ्लो चार्ट अगर हम इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर रखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज बिग है एंड कौन सी चीज स्मॉल। Nice. I hope आपको ये क्लैरिफाई हुआ होगा कि जो चीज़ साइज में बड़ी दिखती है वो बिग कहलाती है एंड जो उसके कंपेयर की साइज में छोटी है वो स्मॉल कहलाती है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए हमने यहाँ पर घर के कुछ टॉयज लिए हैं जिससे बच्चों को ईजिली समझ में आ सके कि बिग एंड स्मॉल क्या होता है, कैसे उसको समझना है। हमने यहाँ पर दो बॉल्स ली है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये टू बॉल्स है ना, हमने जो चार्ट बनाया था वो हम इसके ऊपर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिग एंड स्मॉल क्या है। लो इस चार्ट को देखने से आपको इजीली समझ में आएगा कि जो बॉल बड़ी दिख रही है दिस इज द बिग एंड जो बॉल छोटी है दिस इज अ स्मॉल। Now, that means, जब हम किसी चीज को उसके साइज के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं या फिर उनके तुलना करते हैं तो वो साइज में अलग अलग होती है। That means, जो बड़ी चीज है वो बिग कहलाती है एंड जो छोटी चीज है वो स्मॉल कहलाती है। इसके अलावा जैसे आप कुछ टॉयज और ले सकते हैं जिससे बच्चों को और इजीली समझ में आ जाए। Now, जैसे हमने ये गन्स लिए, there are two guns, okay. जैसा हम आपने देखा कि बहुत सारे टॉयज बच्चों के घर पर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी बच्चों के घर पर मिल जाती हैं, बच्चे इजीली उनको कंपेयर कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ बिग है और कौन सी चीज़ स्मॉल है। Now, जैसे ये गन्स आप देख रहे हैं इसमें से एक बिग है और एक स्मॉल है।
अगेन हम वही चार्ट यूज करेंगे। इस चार्ट को इन दोनों गन्स के ऊपर रखने से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, जो गन आपको साइज में बड़ी दिख रही है दैट इज अ बैग, और जो आपको छोटी दिख रही है उसके कंपेयर में दैट इज अ स्मॉल। आई होप स्टूडेंट्स बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और अब आप इसको अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपके घर पर टॉयज हैं, बहुत सारे बाउल्स हैं, बोल्स हैं, रोल्स हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं और इसीलिए इसको समझ सकते हैं कि जो चीज़ दिखने में बड़ी है वो चीज़ बिग कहलाएगी, और जो चीज़ दिखने में छोटी है वो स्मॉल कहलाएगी। नाउ इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए हमने एक एक्सरसाइज रखी है, उसके लिए हमारे साथ में एक स्टूडेंट है मिस्टर दिव्यांश। आइए वेलकम मिस्टर दिव्यांश। आप सब देख रहे हैं कि हमारे साथ एक स्टूडेंट है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज दिव्यांश। ओके दिव्यांश, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है बेटे। आज हम आपको एक एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, तो क्या आप रेडी हो एक्सरसाइज के लिए? ओके दिव्यांश हमारे साथ है और ये हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है। पेरेंट्स भी घर पर बच्चों से ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आपको कुछ कलरफुल पेपर्स लेने हैं जिनको सर्कल्स में कट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं, हमने कुछ सर्कल्स कट कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत कलरफुल है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ सर्कल है जो बिग है और कुछ सर्कल है जो स्मॉल साइज के हैं। नाउ दिव्यांश, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? सर्कल्स है। ओके दिव्यांश, आपको क्या करना है, इनमें से कुछ बिग है और कुछ स्मॉल है, राइट? आपको क्या करना है बेटा, बिग वाले सर्कल को यहाँ रखना है और स्मॉल वाले सर्कल्स को यहाँ रखना है। जैसे दिव्यांश कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चों से ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आपको एक ट्रे लेना है जिसमें हम बिग एंड स्मॉल के जो चार्ट्स हैं या नेम है, नेमिंग कर सकते हैं। और जैसे हमने करे हैं, हम यहाँ पर रख देंगे ये बिग और ये स्मॉल। बच्चों से आपको ये कहलाना है कि जो बिग सर्कल्स है वो सर्कल्स वो इस साइड में रख दे, एंड जो स्मॉल सर्कल है स्मॉल वाली साइड में रख दे, जिससे बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा। प्लस इसके साथ हमें बच्चों को ये कहना है कि वो इसको काउंट करे कि ये कितने सर्कल है, जिससे उनकी काउंटिंग भी रिवाइज हो जाए। नाउ अब दिव्यांश से हम ये एक्सरसाइज करवाएंगे। दिव्यांश स्टार्ट करें हम लोग? ओके नाउ यू स्टार्टिंग। यहाँ लिखा है हमने बिग और यहाँ लिखा है स्मॉल। आपको इनमें से बिग और स्मॉल को अलग अलग करना है। ओके गो। वेरी गुड, जैसा आप देख रहे हैं दिव्यांश ने बिल्कुल सही करा है। बिग वाले सर्कल को इन्होंने बिग में रखा है एंड स्मॉल सर्कल को इन्होंने स्मॉल वाले चार्ट के नीचे रखा है। ओके बेटा कंटिन्यू, आपको सारे सर्कल्स को सेपरेट करना है वन बाय वन। यस यस वेरी गुड कंटिन्यू, आपको ये सारे को अलग अलग करके रखना है। आप सब देख रहे हैं कि कैसे दिव्यांश स्मॉल और बिग सर्कल्स को सेपरेट कर रहा है। आई होप जब पेरेंट्स बच्चों से करवाएंगे तो बच्चे भी इसको इजीली सेपरेट कर लेंगे। क्या दिव्यांश आप बता सकते हो कि आपके हाथ में जो ये सर्कल है ये कौन सा सर्कल है? बिग। वेरी गुड, और स्मॉल। वेरी गुड, देखा आपने जैसे इस बच्चे को कितना इजीली समझ में आ गया कि बिग एंड स्मॉल कैसे
डिफरेंशिएट कर रहा है। फिनिश। ओके, जैसा आप सबने देखा कि दिव्यांश ने बहुत इजीली बिग एंड स्मॉल जो हमारे सर्कल्स बने हुए थे उनको इन्होंने अलग अलग कर दिया। ओके, नाउ अब हम बच्चों से ये कह सकते हैं कि क्यों ना इनको काउंट कराया जाए। दिव्यांश, आपको क्या करना है बेटे? काउंट करना है। ओके, ये कौन से सर्कल है? बिग। आपको ये सर्कल्स काउंट करके यहाँ पर रखते जाना है। वेरी गुड, दिव्यांश ने सर्कल्स काउंट कर रहे हैं। ये बिग सर्कल्स 11 है। नाउ बेटा, आपको ये वाले सर्कल, ये कौन से सर्कल है? स्मॉल। अब आपको इनको भी काउंट करना है। ओके, जैसा कि आप सबने देखा कि इस बच्चे ने ये एक्सरसाइज कितनी इजीली करी है। आई होप बच्चों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वो ये एक्सरसाइज घर पर भी कर सकते हैं। वो कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज बिग है और कौन से स्मॉल है। नाउ इस एक्सरसाइज के साथ में हम ये भी करवा सकते हैं कि हम एक पेपर पर मिड में एक लाइन बना लें और उसमें एक तरफ लिख दें बिग और एक साइड में लिख दें हम स्मॉल, और जो बच्चों के स्टिकर्स होते हैं ना पेस्ट करने के लिए, उनको वो पेस्ट करने के लिए दे दें। बच्चों से ये कहें कि बिग वाले स्टिकर्स को बिग वाले कॉलम में पेस्ट करें और स्मॉल वाले को स्मॉल वाले कॉलम में पेस्ट करें, जिससे बच्चों को और क्रिएटिव लगेगा और वो एक्टिव होंगे और वो बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू चिल्ड्रन। प्लस इसके साथ ही हम आज एक राइम भी लर्न करेंगे। हमारी एक राइम है जिसकी थीम है, आज हमारी राइम की थीम है वाटर। जैसा कि आप सब देखते हैं कि डेली यूज में जो वाटर है वो बहुत यूजफुल थिंग है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ वाटर, आप मेरे साथ ही रिपीट करेंगे और इस राइम को लर्न भी करेंगे। वाटर टू ड्रिंक, वाटर टू प्ले, वी नीड वाटर एवरी डे। If we save every drop, if we save every drop, the water in the tap will never stop. That means पानी को बचाना है, जिससे हमें पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, पानी हमें हमेशा के लिए मिल सके, वो कभी भी खत्म ना हो सके। I hope आपने ये वीडियो लाइक किया होगा। हम फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ और एक नई राइम के साथ।